तो जब एकदम से काम वासना हमला करती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आज प्राणायाम का ट्रिक बताऊंगा। जब आपके ऊपर काम वासना का हमला हो, जब आप चारों में सेक्सुअल थॉट उठ रहे थे ना, वो कंट्रोल में आना शुरू कर देंगे कि मन में शक्ति आएगी दोस्तों, आपका मन मैच्योर होगा और मन पे कंट्रोल आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। क्या करें जी, जैसे कामुक विचार आते हैं और कुछ गलत करने का मन करता है और हम हस्तमथुन कर देते हैं। क्या करें, जैसे काम वासना बढ़ती हम पोर्न देखने चलते हैं, फिर गलत काम होते हैं, फिर बहुत ज्यादा आत्मग्लानी होती है। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं जी, उस वक्त जब एकदम से काम वासना हमला करती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि जब काम वासना है हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें? दोस्तों ऐसे ही आज प्राणायाम का ट्रिक बताऊंगा। जब आपके ऊपर काम वासना का हमला हो, जब आपके ऊपर आपको सेक्सुअल थॉट आपके ऊपर हमला करें, तब आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। वो है बस्तिर का प्राणायाम। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, हर चीज को ध्यान से सुनना, कैसे करना, कब करना, कैसे आपको हेल्प करेगा सेक्सुअल थॉट को कंट्रोल करने में। देखिए दोस्तों, होता है कई बार बैठे हो तो एकदम से काम वासना हमला कर देती है, या फिर आपके भीतर काम उत्तेजना बढ़ जाती है, फिर गलत कुछ करने का मन करता है। उस वक्त दोस्तों आपको वस्त्री का प्राणायाम करना है। वस्त्री का प्राणायाम होगा क्या दोस्तों, आपके जो विचारों में एक गर्मी उठ रही थी, विचारों में सेक्सुअल थॉट उठ रही थी ना, वो कंट्रोल में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे विचार और हमारे ब्रीथिंग आपस में जुड़े होते हैं। रात है दोस्तों, एकदम से डर जाए कोई इंसान तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ब्रीथिंग बढ़ जाती है ना। इसका अर्थ है कि जो यहाँ पे चलेगा उस हमारे श्वासों से जुड़ा होगा। तो अगर आप श्वासों पे कंट्रोल करते हो दोस्तों, आपके विचारों में परिवर्तन आता है। इसी ट्रिक को यूज करके दोस्तों आप अपने विचारों को कंट्रोल करना। जैसे ही काम वासना है दोस्तों, खुली हवा में जाएं और जो जो से श्वास फेंक के बाहर। आप इसको दोस्तों इस तरीके भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ऊपर जाएगा तो श्वास लेना है, नीचे तो छोड़ना है। इसको करोगे दोस्तों आप, एक मिनट दो मिनट दोहराएं, देखोगे आपके विचारों पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि फिर जाके बिस्तर पे लेट गए, नहीं दोस्तों, उसके बाद कुछ ना कुछ काम में लग जाएं, कुछ और नहीं दोस्तों, बाहर खेतों में, प्राकृतिक वातावरण में कहीं ना कहीं टहलने चले जाएं दोस्तों। और इस ट्रिक को दोस्तों अगर सुबह करते हो, आप सुबह उठकर रोज खुली हवा में लंबे लंबे श्वास लेते हो दोस्तों, तो आपकी जो एनर्जी है दोस्तों उसको फ्लो मिलेगा, आपके मन में शक्ति आएगी दोस्तों, आपका मन मैच्योर होगा और मन पे कंट्रोल आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। इसको अभ्यास में लेके आए दोस्तों, इसको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं, वस्त्री का प्राणायाम को। आजकल कुछ लोग बोलते हैं जी हमारा रूटीन ऐसा है जी, हम खलत के लिए समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों अगर इस ट्रिक को आप जीवन में लेके आ जाते हो दोस्तों, आपका नॉर्मल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ में आपका ब्रह्मचर्य नो फैप की जिंदगी सिमर टेंशन का जब प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो फिर भी अगर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, बार बार गंदी आदतों में आप जा रहे हो, तो आप हमारे स्पिरिचुअल सेशन अटेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में आ रहा होगा दोस्तों। आप हमें गूगल पे फोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हो, आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा स्कैनर के माध्यम से, आप अप्रिसिएशन दे सकते हो दोस्तों। अगली वीडियो किसी विषय पर हो, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम।